गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर अनुशासन है तो यही आपको महान बनाता है। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो यही आपको महान बनाता है। इस सुविचार के साथ आज हम पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे और समझेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह, अर्थात अगर हम जीवन में कुछ करने की ठान ले तो चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमारी इच्छा शक्ति के आगे वे सरल हो जाते हैं और हमें अपने मंजिल मिल जाती है। बच्चों, भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर हैं। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहाँ चाह वहाँ राह शीर्षक रचना में समझा जा सकता है। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेज पोश या फिर माँ के शॉल पर रंगीन धागों की कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे कि यह काम कितनी मेहनत मांगता है। मलमली मुलायम धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती, कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई के टांकों, हाथ की सिलाई से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू साड़ी का किनारा पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत साहस की अनूठी अनोखी मिसाल उदाहरण हैं ये कढ़ाई के नमूने। अर्थात बादाम के रंग की मुलायम धोती सुंदर दिखने लगी, जिसके किनारों पर कर्नाटक की कढ़ाई हुई थी। पूरा पल्लू कढ़ाई से भरा हुआ था, अर्थात पल्लू भारी था। सुनहरे रुपहले रंग के धागों से बने बेल बूटे और भी खूबसूरत दिखने लगे थे। इन बेल बूटों की आकृति बनाई थी ईला सचानी ने। ईला के साहस की अनोखी मिसाल मीन्स उदाहरण है ये कढ़ाई की आकृति। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें रेखाएं खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते,
इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। अर्थात ईला 26 साल की है जो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। ईला का बचपन राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टी खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे अर्थात मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा इकट्ठा करके पिट्ठू खेलते। पिट्ठू 7 पत्थर बटोर कर उसको खड़ा करके गेंद से मारकर पत्थर को गिराते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो वे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और तेज आवाज में एक साथ गाते। नीम की निबोरी जो कच्ची है, सावन जल्दी आ जाए तो ये पक जाएगी। गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विसमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो वह फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो वह धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश प्रयास करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अर्थात ईला गाने में तो साथ देती लेकिन उनके साथ झूला नहीं झूल सकती थी क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। वह चुपचाप एक तरफ बैठ जाती और सोचती मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। उसके साथी भी चाहते थे कि ऐसा खेल खेलें जिससे ईला उसके साथ खेल सके। कभी कभी वे भी शमरित पकड़म पकड़ाई भी खेलती। जब वह अपने साथियों के साथ खूब दौड़ती मगर जब धप्पा देने की बारी आती तो वह उदास हो जाती थी क्योंकि उसके पैर तो ठीक थे लेकिन उसके हाथ बिल्कुल काम नहीं करते थे। वह बहुत कोशिश करती वह अपना हाथ उठा पाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। उसके हाथ उसका साथ नहीं देते थे तो ईला ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। इसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती लकड़ी की पट्टिका पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला प्रवेश ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर।
किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती तेजी से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, हैरान रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त अधिक समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना? अर्थात उसने अब सारा काम पैरों से करना सीखा जो हाथों से करते हैं, जैसे दाल चावल खाना, दूसरों के बाल बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती लकड़ी की पट्टिका पर लिखना। यह सब काम वह पैरों से करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला एडमिशन प्रवेश लिया। एडमिशन लेने में भी उसको परेशानी हुई, क्योंकि स्कूल वाले सोचते थे कि उसके हाथ तो काम करते ही नहीं हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर भी उन्हें चिंता रहती थी। कहीं उसके काम करने की गति के बारे में सोचकर वे परेशान होते थे, ये क्योंकि वह धीमे धीमे काम करती थी। स्कूल वालों का सोचना, स्कूल वालों को ये समझ में नहीं आता था कि ईला को एडमिशन दें या न दें, क्योंकि किसी काम को तो वह बहुत तेज़ी से कर जाती थी और अर्थात जल्दी कर देती थी, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन किसी काम को करने में उसे थोड़ी परेशानी भी होती थी, लेकिन परेशानियों के आगे वह हार नहीं मानने वाली थी। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की, 10th तक पढ़ा। वह 10वीं अर्थात 10th की परीक्षा पास नहीं कर सकी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि परीक्षा में उसे और अधिक समय नहीं मिलेगा। बाद में उसे मालूम हुआ कि परीक्षा में उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो उनके स्थान पर लिख सकता था। लेकिन यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना? उसकी माँ और दादी कशीदा कारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थीं। न जाने कब उसने कशीदा कारी करने की ठान ली। यहाँ तक कि उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान सरल काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास, भरोसा और धैर्य ने कुदरत प्रकृति को भी छुटला दिया कशीदाकारी कढ़ाई करना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी कशीदे की कढ़ाई करती थी। वह उन्हें बहुत ध्यान से सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी। अब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। अब उसने कशीदाकारी करने का निश्चय कर लिया। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई को थाम कर कच्चा रेशम पिरोना सीख लिया था, जो आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ते
निकल आते हैं, अर्थात जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। उसके विश्वास, भरोसे और धैर्य ने कुदरत द्वारा दी गई कमी को भी झूठा साबित कर दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। अर्थात 15 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कढ़ाई में निपुण हो गई थी। अर्थात वह बहुत अच्छे से काठियावाड़ी कढ़ाई करती थी। किस परिधान पर कौन सी डिजाइन अच्छी लगेगी, किस रंग की आकृति खिलेगी, कौन सा टाँका लगेगा, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी नुमाइश लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी, लखनऊ की एक तरह की कढ़ाई से सजाया था। डंडियों को कांथा, बंगाल की एक तरह की कढ़ाई से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामिट्री आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक, जिसका रिवाज काफ़ी समय से चला आ रहा हो, डिजाइनों में यह नवीनता, नयापन सभी को बहुत भाई। अर्थात एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़ी गई परिधानों वस्त्रों की प्रदर्शनी नुमाइश लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ी टाँकों के साथ और भी कई तरह के टाँके इस्तेमाल किए गए थे। पत्तियों को चिकनकारी, लखनऊ की एक तरह की कढ़ाई से सजाया था। डंडियों को कांथा, बंगाल की एक तरह की कढ़ाई से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक, जिसका रिवाज काफ़ी समय से चला आ रहा हो, में यह नयापन सभी को बहुत अच्छा लगा। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, ओठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं। ईला बहुत खुश है, उसके पांव अब रुकते नहीं हैं, वो अपना काम फटाफट कर लेती है। उसकी आँखों में विश्वास की चमक है, ओठों पर मुस्कान है और अब वह तरह तरह की सुनहरी रुपहली बूटियाँ बनाने से थकती नहीं है।